दोस्तों, अगर आप WhatsApp यूज़ करते हैं तो आपको ये ट्रिक जाननी चाहिए, क्योंकि जब भी आप WhatsApp यूज़ करते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही तरह का फॉन्ट आता है, और अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो इसमें कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इन ट्रिक्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, इसमें फॉन्ट को चेंज करने के लिए किसी भी तरह के एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ सिंबल्स का यूज़ करना है आप। जैसे कि आपको किसी भी फॉन्ट को बोल्ड करना है तो इसके लिए आपको उस फॉन्ट से पहले और लास्ट में स्टार लगाना होगा, जैसे कि मैं लगा देता हूँ स्टार। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बोल्ड हो चुका है। अगर दोस्तों किसी फॉन्ट को आपको इटैलिक करना है तो इसके लिए आपको इस सिंबल का यूज़ करना है उसके आगे और पीछे, जैसे कि मैं लिख देता हूँ हेलो, और फिर से इसी सिंबल को लगा देना है। आप देख सकते हैं इटैलिक हो गया। अगर किसी फॉन्ट के बीच में आपको लाइन डालना है, जैसे कट का निशान होता है, तो इसके लिए आपको इस आइकन को क्लिक करना है और फिर टेक्स्ट लिख देना है, फिर दोबारा इसी आइकन को क्लिक करना है। आप देख सकते हैं, चलिए एक और फॉन्ट बताता हूँ मैं आपको। इस आइकन को 3 बार क्लिक करना है, टेक्स्ट लिखना है, फिर इसके बाद दोबारा इसको 3 बार टैप करना है। दोस्तों, अगर आप टेक्स्ट को बोल्ड भी करना चाहते हैं, इटैलिक भी करना चाहते हैं, और उसके बीच में लाइन भी डालना चाहते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको टाइप करना है टेक्स्ट को। सबसे पहले इस आइकन को क्लिक करना है, टेक्स्ट लिख देना है, फिर दोबारा इसी आइकन को क्लिक कर देना है, ये इटैलिक हो गया। इसके बाद फिर आपको इस आइकन को क्लिक करना है, ये हो गया लाइन, और फिर आपको स्टार लगा देना है आगे और पीछे, ये हो गया बोल्ड। आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ ट्रिक्स का यूज़ करके आप इस तरीके से फॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह के एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है आपको।